फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी का को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बस आज है भैया जी का लास्ट एग्ज़ाम और वो रेडी होके बस निकलने की तैयारी में है और बहुत खुश है कि आज लास्ट पेपर है इसका। तो आज लास्ट पेपर है ये, इसका आज ओवर हो जाएगा पेपर। और अवनिका का आज फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट एग्ज़ाम है। तो बस इसका ख़त्म, उनका चालू यही चल रहा है और भैया जी निकल पड़े हैं स्कूल के लिए और देखते हैं रिज़ल्ट कब आता है। और मस्ती करते हुए उसकी पढ़ाई चलती है बढ़िया से, नो टेंशन, टेंशन वेंशन लेके वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो चलिए हम उसको ऑल द बेस्ट विश करते हैं और वो निकल गया है अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखते हैं आज का मौसम सुबह से ही ऐसा हो गया है। अभी बारिश हो रही थी डेली, शाम में हो रही थी, मॉर्निंग में थोड़ा अच्छा रहता था, लेकिन आज है तो अभी से बारिश होने लगी है। भैया जी तो लास्ट पेपर देने चले गए, उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही थी। ये भी जस्ट अभी निकले ही हैं और पानी गिरना स्टार्ट हो गया है और अब बस अपने निगाह को उठा के रेडी करना है। उनके टाइम तक भी बस पानी रुक जाए तो अच्छा है। देखिए काफ़ी ज़्यादा बारिश आप देख ही रहे हैं, हो रही है। और अब मैं जा रही हूँ दोनों को उठाने के लिए भी। तो इस तरह से दोनों को उठा तो लिया है पर हाँ अभी भी सो ही रही हैं दोनों जन, थोड़ा सा नींद में। ये देखिए अनिका है और ये अवनी। तो अवनी जो है आज उसको थोड़ा सा फीवर जैसा कल से हो रहा है, कल से उसका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, फीवर आ रहा है उसको और पेट में दर्द भी बता रही है। पर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने तो जाना ही होगा, तो बस उसको छोड़ के आऊँगी। लेकिन हाँ, आज मैं उसको जल्दी लेके आ जाऊँगी, मैम से बोल दूँगी, एग्ज़ाम के बाद उसको छुट्टी दे देंगी। और बस इन दोनों को अब मैं उठा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अवनी और अनिका दोनों हो चुकी हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। फर्स्ट डे है एग्ज़ाम, तो दोनों एग्ज़ाम देंगी। आप भी दोनों को ऑल द बेस्ट बोलिएगा, अवनी और अनिका दोनों को ऑल द बेस्ट बोलिएगा। और आज मैं दिखाती हूँ इनको बैग में क्या क्या लेके जाना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और फिर हम इनको फटाफट से ड्रॉप करके आएंगे स्कूल। तो इनको बैग में जो है आज लेके जाना है सिर्फ डायरी, इस तरह से इनकी जो स्कूल डायरी है वो ये लेके जाना है इनको। फिर पेंसिल बॉक्स, पेंसिल, स्केल, इरेजर, ये सब इसमें रखा हुआ है इनका। हाँ, डायरी रख दी है ये इस तरह से, पेंसिल, शार्पनर, रबर, ये है। और फिर ये है इनका बोर्ड, कार्डबोर्ड जिसमें रख के पेपर देंगी। और टिफिन प्लस बॉटल, बस इतना, नो बुक्स, कुछ भी नहीं लेके जाना है। तो बस चलिए अब टाइम होने ही वाला है तो हम लोग चलते हैं और अपनी अनिका को छोड़ के आते हैं स्कूल। तो चलो बाय कर दो सभी को। ये देखिए अवनी और अनिका दोनों आज आ गई स्कूल से जल्दी एग्ज़ाम देके। छुट्टी होनी थी मतलब 11:30 पे, लेकिन अभी 11:15 में ही आ गई हैं। इनका हो गया होगा रिटन और ओरल दोनों। तो इनकी तबीयत ख़राब थी जैसे मैंने बताया था, इसको आ रहा है फीवर, अवनी को अभी है, अभी अच्छा लग रहा है, और इसको हो गई है सर्दी खूब ज़्यादा है। ओ हाँ, ताशी, ताशी भी हो गई है तो सर्दी खांसी है। हाँ, ओ तोतली है बेचारी, इसीलिए ताशी बोल रही है खांसी को। पहले बता ओरल अच्छे से बोलो, ओरल में क्या बोलो? बोल दी थी अच्छे से, और ए बी सी डी पूछा था, ए फॉर बी फॉर बन गया था, और क्या ओरल में पूछा? और कुछ नहीं, रिटर्न अच्छा किया, मैचिंग मैचिंग मॉबल, चलो अच्छे से हुआ। आप कल का आएगा है हिंदी, और आपसे क्या पूछा ओरल, कौन सी राइम्स पूछी? राइम्स आपसे भी वही दोनों पूछी, सबसे वही पूछ रही थी। अच्छा, और ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, ये सब नहीं पूछा था? तो बना, अच्छा, और लिखा क्या रिटर्न में क्या था, मतलब लिखे क्या है? पेपर जो मिला था ना, जो कार्डबोर्ड में रखा था आपने, उसमें क्या क्या आया था?
अच्छा अनिका बताइए, अनिका को पता है ना अनिका आपको लिखने में क्या क्या आया था रिटन में? मैचिंग मैचिंग हाँ, और बबल्स वाला आया था, ए आई ओ यू बन गया सर्कल लगा के। अच्छा और ए टू जेड आया था लिखने, मिसिंग वाला फिल इन द गैप्स, तो स्मॉल वाला कि कैपिटल वाला बन गया पक्का? और स्पेलिंग एम ए टी मैट सी ए टी कैट वाली आ गई थी आपसे, बनी थी? चलो ठीक है, तो अच्छा रहा आप कल है हिंदी का, तो आज दोनों की तबीयत के कारण मैं इनको जल्दी लेके आई हूँ। कल हिंदी एग्जाम देने जाएंगी तो ये ड्रेस में नहीं जाएगी, मैं जाऊंगी बर्थडे की ड्रेस में। बर्थडे की ड्रेस में कल अभी का है बर्थडे, कल दोनों 5 years की हो जाएगी। हाँ तो स्कूल में क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हो कल? अच्छा क्या क्या? पैसे और इरेजर चॉकलेट। अरे वाह, चलिए ठीक है, तो अब इनको मैं अच्छा तो चलिए अब इनके कर देते हैं कपड़े चेंज, अब ये दोनों अभी खाएगी वाएगी थोड़ा बहुत, लंच खा लिया था? चलो ठीक है, आप खा ही नहीं रही है, कल से कुछ नहीं खा रही है अच्छे से क्योंकि फीवर के कारण, तो अभी सुबह भी मेडिसिन देख के उसको भेजा था। हाँ गला सूखा, चलो पानी पी लो, बॉटल से पी लो पानी, अभी हम दे रहे हैं आपको अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इनको चेंज कर देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, और भैया जी भी आने के टाइम मतलब थोड़ी देर में आता ही होगा, उसका तो लास्ट एग्जाम है, उसके एग्जाम ओवर, अब उसकी छुट्टियां लग गई, समर वेकेशन हो गए। किसका? English. किसका? English आपका इंग्लिश तो आज था, कल हिंदी है। एग्जाम ओवर हो गए हैं, वैसे चलते भी थे तो भी कुछ वो नहीं था, वो वैसा ही रहता है जैसा रहता है। और ये देखो ये तरह से वीडियो में अपने तब से बातें कर रहा है वीडियो कॉल में, और बस छुट्टियां लगी हैं तो छुट्टियों को एंजॉय करेगा, वो वैसे भी हर दिन एंजॉय ही करता है, उसको कोई टेंशन वेंशन नहीं रहती है, उसको बड़ा मज़ा आता है। और बस इन दोनों के तो आज इंग्लिश का हुआ है और अब हिंदी का है कल, तो अब थोड़ा सा इनको बिजनेस कराती हूँ और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ाई करेंगे। ओके फिर आज ही ये देखिए इनके जो मामा हैं उन्होंने इनके लिए बर्थडे गिफ्ट जो था वो ऑनलाइन बुक किया हुआ था, और बस ये आज ही रिसीव हो गया है हमको, तो देखते हैं खोल कर कि क्या भेजा है मामा ने। तो बस ये भैया लगे हुए हैं खोलने के लिए क्योंकि उसको बड़ा मज़ा आता है, कुछ भी चीज़ आई है नहीं तो उसको ओपन करें उसको देखें। तो ये देखिए हम लोग फटाफट से ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है। अभी अनिका भी बहुत एक्साइटेड है कि आफ्टर ऑल इसमें क्या निकलता है, तो चलिए बस देखते हैं ओपन करते हैं और क्या निकल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या मिल निकला हुआ है। तो इसमें यूनिकॉर्न थीम का ये पूरा सामान है, इसमें है यूनिकॉर्न का एक बड़ा सा अच्छा सा बैग सुंदर सा, उसके बाद यूनिकॉर्न वाली डायरी आप कुछ भी उसमें नोट कर सकते हैं, इसमें है ये देखिए छोटा सा पर्स, इसमें आप टांगने के लिए इसमें बेल्ट भी दिया हुआ है अंदर, फिर यह है पेंसिल रबर इरेजर वगैरह रखने का वाला पाउच, इसके अंदर भी कुछ सामान है तो हम देखते हैं। इसमें है पेंसिल और कलर वाला पेन है, डिफरेंट लिक्विड्स इसमें भरे हुए हैं और फिर वो कलर से चलता है, फिर साथ ही में है इसमें रबर और एक है पिगी बैंक साथ में, इसके साथ में पिगी बैंक भी आया है तो वो भी बहुत ही अच्छा है, मतलब है तो इसमें अब ये नहीं है कि हम पैसे भी कलेक्ट करते जाएंगे, और ये पर्स ये बैग तो बहुत ही अच्छा है, तो दोनों को बहुत ही अच्छा ये गिफ्ट। थैंक यू मामा और मामी।
अब हम अवनीर के बर्थडे की शॉपिंग में निकल आए हैं। अब भी सालमोनी से लौटे हैं। अब हम अपने कैंपस के ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आए हैं। यहाँ से भी कुछ कुछ सामान लेना है, तो बस वो लेते हैं हम लोग। और फिर आज है मंडे भी, तो मंडे को जैसे कि मैंने बताया है कि शिव मंदिर हमें आना चाहिए। और आज तो मासिक शिवरात्रि भी है, हर महीने में जो शिवरात्रि आती है आज वो भी है, तो आज तो ज़रूरी था ही मंदिर आना। तो बस चलिए मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं, और आप भी हमारे साथ मंदिर के दर्शन कर लीजिए, भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। तो बस चलते हैं और फिर हम घर जाके आपको दिखाएंगे। मंदिर में पहले तो आप प्रणाम कर लीजिए, और फिर बस हम आपको घर चल के दिखाएंगे कि हमने क्या क्या खरीदारी करी है अवनीनिका के बर्थडे के लिए। फ्रेंड्स, बस अब भी हम आए हैं अवनीनिका के बर्थडे की शॉपिंग वगैरह करके, तो दिखाते हैं हम आपको क्या क्या कल हम स्कूल में सेंड करने वाले हैं। और बस जो भी हम बच्चों के चॉकलेट्स वगैरह, पेंसिल इरेजर, ये सब हम अभी लेकर आए हैं। और भी काफ़ी सामान लाए हैं, पर बाकी की चीज़ें, जो कुछ चीज़ें हैं वो कल ही आपको बताई जाएंगी और क्या क्या हम लेकर आए हैं आज। और सालमोनी भी गए थे, सालमोनी से भी काफ़ी चीज़ें लेकर आए हुए हम। और जो अभी जो स्कूल जाना है या कुछ रिटर्न गिफ्ट्स जो हम देंगे, और बर्थडे का डेकोरेशन का जो सामान है इनके, तो वो सब हम अभी आपको दिखाते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या कल हम इन लोग स्कूल में देने वाली हैं। से ये चॉकलेट्स हैं जो स्कूल में कल ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, तो ये पार्क की चॉकलेट है, ये अपनी क्लास में इस तरह से इनको लेके जाना है। 60 स्टूडेंट्स हैं, तो ये इस तरह से मैं इनको भेजने वाली हूँ पार्क की चॉकलेट। फिर हम क्लास के बच्चों को ये देने वाले हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं इनकी क्लास में, तो इस तरह से पेंसिल, इरेजर और पेंसिल इरेजर शॉर्पनर और चॉकलेट। तो ये इतनी चीज़ जो है ये कल अपनी क्लास में LKG के जो तीनों सेक्शंस होते हैं उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, ये पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर और साथ में चॉकलेट। चॉकलेट तो हमेशा ही करता है यह बच्चा डिस्ट्रीब्यूट, पर हमने इनको ये साथ में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर रिटर्न गिफ्ट में हम ये इस तरह से बच्चों को देने वाले हैं स्केच पेन, क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं और सभी को पसंद भी आते हैं, तो इस तरह से स्केच पेन लेकर आए हैं रिटर्न गिफ्ट के लिए। अभी इसको पैक भी करना है, पैकिंग पेपर भी लाए हैं, वो बैग में रखा हुआ है, निकालना भूल गई हूँ। और ये है इनका बर्थडे डेकोरेशन जो हमने ऑनलाइन बुक किया था, तो ये भी आ गया है। ये भी अभी जब डेकोरेट होगा रूम कल तभी आपको दिखाएंगे, पर हाँ इस तरह से हम ये लेकर आए हैं। और भी बहुत कुछ चीज़ें आई हैं, तो वो सब आपको कल ही दिखाई जाएंगी। तो ओवरऑल स्कूल रिटर्न गिफ्ट जो स्कूल में ये देने वाली हैं गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट और इनके डेकोरेशन का जो सामान है, इतना आज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इतनी चीज़ें अभी हम लाए हैं चीज़ें, बाकी तो एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, कल हिंदी का एग्ज़ाम है इनका। ये इसको भी सर्दी हो रही है, अवनी की भी बहुत ज़्यादा मतलब हालत थोड़ी ख़राब ही है, तो चल रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हाँ कल तो जाना ही है। और बर्थडे की ड्रेस भी, हाँ ड्रेस भी तो देखना है, ड्रेस भी कल ही जब ये रेडी होंगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें भी अभी कुछ ठीक करना है, क्योंकि थोड़ा सा इनको लूज़ हो रहा है शायद, तो वो भी अभी ठीक करना है। अच्छा ध्यान आ गया आपको बताते हुए। तो चलिए ये सब चीज़ें आ गई हैं, और जो भी कुछ हम कर रहे हैं साथ में ही, हाँ पढ़ाई भी चलती ही जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ इनको, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये लोग सीधा सिंपल खाना तो नहीं खाते हैं, मतलब वही दाल राइस वाला सिस्टम नहीं है, रोटी सब्जी दाल राइस वाला, इनको कुछ अलग अलग डेली चाहिए। तो आज इनके लिए अभी डिनर में मैं ढोकले बना रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से मैंने इंस्टेंट फटाफट से बनाया हुआ है, तो चलिए वो दिखाती हूँ। अब मैं जो हूँ सारी चीज़ें अच्छे से रख दे रही हूँ, कितनी टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स लेके जाना है आपको इनको स्कूल में मतलब, तो वो सब मैं अच्छे से एक पैकेट में अच्छे से मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और सामान हमको, वो सब हम एक साथ रेडी करके रख ले रहे हैं, जिससे कि मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि उन लोग को भी रेडी करना होगा। तो बस ये देखिए मैं फटाफट से सभी चीज़ पॉलिथिन में रख ले रही हूँ, एक बार चॉकलेट्स भी अच्छे से काउंट कर ले रही हूँ कि कम ना हो वहाँ पर जाकर, तो बस मैं फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ। तो जैसे कि आज इन लोगों ने कहा था हम ढोकले खाएंगे, तो मैं मार्केट जाने से पहले ढोकले का जो ये बैटर है वो उसको मैं रेडी करके गई थी। तो इसमें मैंने सूजी और बेसन को, थोड़ा सा हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी, दही में हम और थोड़ी सी शक्कर, नमक, ये सब ऐड करके मैं गई थी, तो ये फूल गए हैं अच्छे से। और फिर आके मैंने इसमें इनो ऐड करके, और बस इस तरह से आपके जो ढोकला वाला जो पैन होता है उसमें रख दिया है ढोकले बनने के लिए। और ये देखिए अच्छे से बफ गए हैं, और इसको हम एक बार चाकू से मैंने इसको डाल के देख लिया है, तो ये अच्छे से
ड्राई हो मतलब बफ गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे थोड़ा ठंडा होने पे कट करके। और इस तरह से कड़ी पत्ता, थोड़ी सी मिर्ची, राई जीरा का हम इसमें जो है तड़का लगा देंगे। तो हमने कट कर लिया है और ठंडा होने के बाद हमने इसमें इस तरह से देखिए तड़का लगा दिया है। तो बस बच्चों के लिए जो है फटाफट से मैंने ढोकले बना लिए हैं आकर, और अब वो लोग जो है इसको एंजॉय करेंगे। और इन लोगों को इस तरह की चीज़ें ही पसंद होती हैं, तो ये जल्दी ही बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और खाने में टेस्टी भी लगती हैं। तो आप मुझे इसकी रेसिपी जो मैंने आपको बताई है फटाफट से इंस्टेंट वाली कैसी लगी ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए कितने अच्छे से फूल भी गए हैं ये, और काफ़ी सॉफ्ट भी बने हुए हैं। तो झटपट बनाना हो तो इस तरह से बच्चों को मतलब पसंद भी आएंगे और अच्छे भी। तो इसको अभी अमन और अनीका ही खा रहे हैं, अवनी की आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो जो है थोड़ा लेट गई है, सो गई है, उसको मेडिसिन दिया। तो और बस ये दोनों अभी इसको एंजॉय कर रहे हैं और दोनों को काफ़ी अच्छे भी लगे हैं। तो इसी के साथ आज का ये व्लॉग भी यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनीनिका को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और दिखाएंगे कि अवनीनिका का बर्थडे कैसे मनाया। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।